ये जो पीछे है ये बुखारी बाबा का मज़ार है, बहुत पुराना मज़ार है। देखते हैं, उनका आज जन्मदिन है। नाम क्या है? सबीर। सबीर, हाँ। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? टेंथ। टेंथ में पढ़ते हो? जी। हाँ, क्लास फाइव के लगते हो? दो। हाँ, खाना नहीं खाते हो? हाँ, तो इतना दुबले पतले क्यों हो? पता नहीं। कहाँ रहते हो? कहाँ? निमचौड़ी। निमचौड़ी कटक में। बारवाड़ी दुर्गो में क्या ये पहली बार आए हो या नहीं? आते नहीं, आते जाते हो। इसके बारे में क्या जानते हो? अच्छा जगह है। जगह है, कौन बनाया, कैसे बनाया, क्या होता, क्या क्या, क्या है इसमें, हमको बताओ। ये पार्क है। ये पार्क कैसे है? पार्क हाँ, बनाया गया है हाँ। लेकिन ये तो मॉन्यूमेंट है ना, सब पुराना है। पता नहीं मुझे क्यों घूमने के लिए आते हैं। घूमने के लिए आते हैं? अभी टेंथ में पढ़ रहा है, अभी पकड़ लिया तो बोल रहे घूमने के लिए आते हैं। ये किसने बनाया था? राजा ने। कौन सा राजा ने? वो मस्जिद किसने बनाया था? राजा ने बनाया था। कौन सा राजा ने बनाया? बुखारी बाबा का है। बुखारी बाबा का तो मस्जिद है हाँ। हाँ। लेकिन कौन कब बनाया था तो पता नहीं। पता नहीं, फंस गया। तुमको पता है? नहीं पता है। क्यों? अभी क्या चल रहा है क्या बुखारी बाबा का? अभी उरुस है उनका। क्या है उसको? उरुस। उरुस, उरुस क्या है? मतलब उनका आज होता है, हर साल एक बार उनका फातिया होता है उनका मजार में। बताओ ना, हम थोड़ी ना जानते हैं। मतलब उनका बर्थडे बर्थडे समझ लो। बर्थडे होता है हाँ। ओके, वो मतलब आज ही है? आज है। क्या क्या होगा? खाना पीना होगा? खाना पीना, लंगर होगा, आम लंगर सबके लिए रात को। रात को। और नाथ पात, मतलब नाथ होगा। बुखारी बाबा का उधर है या इधर है? ये मस्जिद है। ओह, ये मजार है। ओहो, ये मजार है। हाँ, ये उनका मजार है, ये मस्जिद है। ओके, अच्छा जगह है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पछपटे देखते बुखारी बाबा मजार, चलन जीवा देखा बुखारी बाबा आज कौन हो। सो बुखारी बाबा का मजार है, तो देख लीजिए। ये एक्चुअली बाबा जी का जो मजार है कब हुआ था? इसका तो सन पता नहीं, मगर ये मुगल के पहले, ब्रिटिश के बाद। वो मुगल पीरियड? हाँ, मुगल के बाद ये हुआ है। वो जो काला पहाड़ जो आया था, काला तभी का मामला है। तभी आए थे मुकुंददेव, राजा थे यहाँ पर। यहाँ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद वो मारे, क्या करे, ये बाबा शहीद हो गए। बाबा इधर ही शहीद हुए? हाँ, यही शहीद हुए। सर मुबारक यहाँ है और उसी घोड़े में बैठे बिना सर के जाजपुर टाउन गांधी चक। हाँ, गांधी चक। हाँ, उनका जो बड़ा सा मजार है वो। देखिए, सर में नहीं, सर नहीं है, खून बह रहा है, मगर घोड़े में बैठे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद हमारा प्रायर का असर का टाइम हो गया नमाज का, तो आवाज़ दिए, सर नहीं है, यहाँ से आवाज़ दिए कि पानी दो, हमको वजू करना है। अरे, तो नीचे देने वाला पानी, वो बोला कि आपका तो सर नहीं है,
इतनी सुनना था वहीं गिरे और प्राण त्याग हो गया। वो गए उसके बाद वो घोड़ा भी दम तोड़ दिया, घोड़ा भी एक घोड़ा का वहीं पर पीछे उसका मकबरा है, सामने बाबा का पीठ है, वहाँ बॉडी का यहाँ पर सर है। तो यहाँ पर सर है। ओके थैंक यू। एक्चुअली हम भी बचपन से आते हैं, कभी मतलब इसके बारे में तो इतना नहीं जानते। इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर बनाया है। ये सब आप लोग का कृपा है, सब सब का ही है। नहीं, नहीं, सही है, मतलब वो भी इतना प्यार से बना आई है यहाँ पर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर यहाँ 60% आते हैं हिंदू, सबका मालिक एक है। जो भी जिस मकसद से आए, और एक बात मैं कहना भूल गया, ये है बाबा का टेस्टर, बस समझा। जो औरत पर कोई सवार हो जाता है, 5 आदमी 6 आदमी पकड़ के ला नहीं सकते, और वहाँ किस्मत से वो आ गया यहाँ, और बाबा के पीठ से रख के उसके सर में रखना माने, बोलता बाबा हमको छोड़ दो, हम कह दिया इसी समझे में कितना करंट मुझे नहीं भाई सबका मालिक एक है। ये जगह इसी का उदाहरण है। अच्छा सुशांत भाई, ये जगह टी आपन केमती लागिला, कौन आपन भाबुछंती जगह विषय ने जबे कथा होतले जोने जो थिले सी आम गोटे आशीर्वाद दे गोटे कथा कहले ये स्थानी सीना देखु मुसलिम मानी कितु ज्यादातर हिंदू लोक ये आसती आजा कर सहित गोटे कथा कहले सबका मालिक एक है ये आसे से आशीर्वाद पाई जाए निहत भाव में ये गोटे जिनस ही आम शिखा गोटे भाईचार सहर हो कटक सहर तेणु एमती ही सब भाईचार सहित बंचा। थैंक यू सुशांत भाई, बहुत भल लगला। आ मुझे एत वर्ष कटक आसा भितर भी मुझे केवे भी भितर को आसी नी रियली मुझे देखिली यार बढ़िया प्लेस मुझे पाइबिनी कटक। धन्यवाद।